ये देखो नहीं, विराट कोहली का क्या मैसेज आता है ये बताओ ना। खाली दिल दे देता है बस। दिल दे देता है आपको भी वो? अरे अरे यार। हाय पलक, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यार मुझे पता है बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मैं अचानक से YouTube से गायब हो गया था, Instagram वगैरह पे मैं पोएट्री कर रहा था, जॉब लग गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं YouTube पे एक्टिव नहीं रह पाया। पर आज 8 फरवरी 2024 को मैं घर आया हूँ दिल्ली से, और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना कि आप लोगों से बात करनी है, मैंने सीधे फ़ोन उठा लिया। पापा को इतने टाइम बाद देख रहे होंगे। नमस्कार पापा। मेरे को हमेशा बोलते थे कि दुकान में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं, बनाया अगर। और पापा के साथ मैं भी मार्केट जा रहा हूँ। और बाबा कैसा लग रहा है आपको आज? अरे बहुत अच्छा है, आज आपके लड़के ने फाइनली फोन उठा लिया। हाँ ये बहुत अच्छा है कि लोग बात बोलते हैं ना। हाँ कि यार दीपक दिखाई नहीं देता है आजकल यूट्यूब में, कहाँ है क्या है। पापा बताते थे कि वो इंस्टाग्राम पे है, तो कई लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते ना, आपको पता ही है, फेसबुक वगैरह चला लेते हैं। हाँ तो लोग ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब में नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ यार वो आजकल पढ़ाई है, जॉब है, टाइम नहीं है उसको। इंस्टाग्राम में देखो बोलता हूँ मैं, दीपक की कविताएं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आती हैं बोलता हूँ लोगों। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपने देखी होंगी मेरी खूब सारी वीडियोस। बाय द वे गाइस, आई एम नाउ अ फुल टाइम जर्नलिस्ट, मैं भी अमर उजाला के लिए काम कर रहा हूँ। आज का आउटफिट मेरा ये है, पहले जब मैं गाँव में रहता था ये था कि बहुत सारी चीजें थी, अभी आपको सब कुछ बदला हुआ लग रहा होगा, मैंने मूछें भी रख ली हैं। ब्लॉग ही जो है वही थे दरबार दिन तक। अच्छा कार वाले? कार वाले वही सीखने वाले। गाइस कौन पहाड़ी जी ने कार ले ली मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पाता था उनका चैनल, अभी पापा बता रहे हैं। अच्छा और क्या क्या हुआ था इधर पे? बस ठीक है। हम और नहीं है कोई ब्लॉगर इधर आजकल? कौन है भी जो, वो है वो पंकज पाठक है वो, वही है उसका तो। हाँ प्रैंक कॉल बस। अच्छा रिचार्ज खत्म नहीं होता उनका? अरे यार हम लोग तो ट्रोल कर रहे हैं सबको, ऐसे खाली एंटरटेनमेंट के लिए हम ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बदल गई ना, मैं देख ही नहीं पाया कुछ भी, क्योंकि आपको पता ही है कॉरपोरेट लाइफ, 9 to 5 जॉब। हमारे तो 9 to 5 नहीं होती है, 11 to 8-9 होती है, तो कुछ मिलता ही नहीं है टाइम देखने का, घूमते रहता हूँ दिन भर। बट एक फ़ायदा है कि मैं बहुत सारे कवियों से, लेखकों से, कलाकारों से मिलते रहता हूँ पापा। पहचानने लग गए लोग हमारा प्यारा सा गांव, कितना अच्छा सा लगता है इसको देख के। मैंने इसी पे लिखा था ना पापा कि शहर में मेट्रो है, लिफ्ट है, गाड़ियाँ हैं, ऊपर नीचे जाने के लिए अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ हैं, फिर भी एक वजह जिससे मेरा गांव मुझको याद आता है, शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर एक भोला भाला सा गांव है मेरा, जिसकी मुझे सादगी याद आती है। जब भी शहर में गाड़ियों के धुएं के साथ गुजरता हूँ तो मुझे वहाँ उत्तराखंड की हवा की ताजगी याद आती है। और इस स्विगी जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले जमाने में मुझे दो रोटियां अपने माँ की हाथ की याद आती है, क्योंकि शहर की चकाचौंध भरी जो जिंदगी है ना उसके बीच एक मेरा गांव है जिसकी मुझे सादगी याद आती है। बहुत सिंपल सा है, सिंपल से लोग, प्यारे से लोग, कि मुझे सादगी याद आती है जब भी शहर में गाड़ियों के धुएं के साथ गुजरता हूँ तो मुझे वहाँ की हवा की ताजगी याद आती है, और इस ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले जमाने में मुझे दो रोटी अपने माँ की हाथ की याद आती है। वो होता है मैं ये दगड़ू सन मेरे। हेलो बोलो। हेलो, हमारी 90 साल की अम्मा, बहुत पहले दिखाया था मैंने आपको। 90 कितना हो गया अभी आपको? 94 हो गया। क्या बात है यार, आप मना बजी रहे। अरे ना मैं ऐसा नहीं यार, फिर भी देखो मतलब बात है। लेकिन जो पुराने लोग है ना वो मतलब अभी देखो उनकी उम्र है, हमारे जैसे लोग मरते हैं हितनाबाद में, ना खान पान अच्छा है, कुछ नहीं है ना। तू कहाँ है यार? मैं दिल्ली यार। माँ क्या बोलते हैं? पत्रकार हूँ, अमर उजाला हूँ, एक अखबार वही मैं दिल्ली में। बस बस मैं पिंटू दा इंतजार करनी हूँ, सिद्ध ले मेरे आज उनमी। हाँ क्यों ले जाना चाहिए? 23,000 हगिल में है। ओ लाइन लग रही है तैंकी, लाइन लग रहे हूँ, लाइन लगी बल छोड़ने। पिंटू दाग इंतजार करनी हुई, अब थोड़ी बह चल रहे हूँ तो तब थोड़ा करन पड़े उन्हें, वरना मैं तो कब का ले जाऊँ यहाँ। आपने बोला था ना एक बार कि ऐसी लड़की ले गया ना, मतलब 2-3 जो सोने का वो देगी, है ना, याद है आपको? याद है अम्मा को?
यार माँ कितना अच्छा कदू भल लगना यार तुम इनका देख बेराज ये मुनाड बनाया तमिल जब कौन है भी मैं आ गई यार की बनो बड़े नहीं हो अब छोड़ दो ना दीना अब छोड़े तू अपना घर दुनिया पर जिन बल बल ओह बली तमिल का दिखून मीना मैं क्या कह रहा हूँ जल जानी अरे क्या ना माँ तभी तो मैं जल्दी करनी हूँ सब देखा ना ओ है ना माँ चलो यार माँ पे एल दुकान जाना है ऊँढ़ा मैं ऊँढ़ा अच्छा ऊँढ़ा चलो फिर हाँ माँ मैं एल ली ऊँढ़ बाद में हाँ बार दिन ओहो बारह दिन माँ बारह दिन लेकिन बहुत मक्के बहन है अब अमां नौकरी में जैसा हूँ अब 10-12 दिन में अब नंतीना वाले में मिलने ना गर्मी छुट्टी जाड़ो छुट्टी अब ना मिलनी अमां वो दिन लग गया अब चलो जल्दी मिलते हैं बोलो फाइनली हम लोग दुकान में पहुंच गए हैं पापा यहाँ पे पापा हमेशा रहते हैं और कई मेरे दोस्त मेरे मित्र आते हैं पापा से मिलते भी भास्कर भोरियाल जी आए थे भास्कर भोरियाल जी भास्कर भोरियाल जी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट हैं उत्तराखंड के अगर आपको नहीं पता है अब उनका सर्च करेंगे ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे चेक करेंगे तो आपने देखना कितना काम किया उन्होंने लोक कला के क्षेत्र में तो कौन पहाड़ी जी आते हैं उसके पप्पा आते हैं हाँ तो घर आने से सब लोग मिलते रहते हैं पापा से तो आज मैं भी मिल रहा हूँ पापा से ये हमारी दुकान है दिल्ली में ब्रश भूल गए थे मैं ब्रश ले लिया हमारी दुकान से ही अब घर जाके ब्रश करूँगा वैसे तो ऐसे ही कर लिया था मैंने थोड़ा थोड़ा जर्नल का भी स्टोर है और बीज हाँ सब्जी वाली बीज तो यहाँ अवेलेबल हाँ यार मतलब है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं अगर आप लोग हमारे गाँव से दिख रहे तो आ सकते हैं 17 तारीख तक मैं आपको इधर ही मिलूँगा तो आप लोग आ सकते हैं हमारी दुकान में अगर आप पाकू के आसपास आते हैं कभी तो आप आएंगे पापा को कॉल कर देना बस मतलब पापा से मिल लेना पापा मेरे को कॉल कर लेंगे ठीक है पापा हाँ बाय देखो ये नींद इसके बगल वाला ये देर तो देखो हाँ अब जाओ ऊपर जाओ किसका के हाँ प्रणाम इस उंगली को मत भेजा करो आप मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं इसको नहीं ऊपर वाला है वो नहीं इसका कुछ और मतलब होता है अरे वो बीच की उंगली का मतलब कुछ और होता है गाली होती है पापा इसको कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं देखो ये उंगली वाले को सिर्फ लाइक से काम नहीं होता प्लीज फॉलो भी तो करें आ गया देखो ये बस हेलो दोस्तों दरअसल बात ये है कि मेरे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी एंड उस पर 100K लाइक्स हो गए इंस्टाग्राम पे मेरे पोएट्री डालता हूँ आजकल तो पापा मेरी उसी पोएट्री को शेयर कर रहे हैं जो दरअसल मैंने वीडियो डाली थी ना वो ये वीडियो थी इस पर देखो 130K लाइक्स हैं ये मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर्स हो गए पापा इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है आपने आशीर्वाद दिया मुझे ऐसे शेयर किया है और ये मेरी वीडियोस हैं देखो कितने मतलब लोग कितना पसंद करते हैं मुझे 700K 35,000 2 लाख 6 लाख आपने मेरी पोएट्री सोशल मीडिया पे सुनी होगी कि सड़क से गुजरूं तो हर मोड़ में मंदिर पैदल चलूं तो हर धार में मंदिर कभी तुझ में कभी मुझ में इन पहाड़ों के आकार में मंदिर ओम पर्वत देखा है ना आपने तो कभी तुझ में कभी मुझ में इन पहाड़ों के आकार में मंदिर शहरों में था जब जैसा भी था तब से गांव लौटा हूं ना मेरे हर एक विचार में मंदिर और इसी के साथ बोलेंगे हम जय देव भूमि जय उत्तराखंड दोस्तों देखो मेरे इंस्टाग्राम पे व्यूज क्यों आते हैं क्योंकि पापा मेरी वीडियोस ऐसे शेयर करते हैं थैंक यू पापा ओके विराट कोहली को भी शेयर कर रहे हो किसको विराट कोहली को भी शेयर कर रहे हो उसके भी मैसेज आते हैं उसके मेरा वो है वो फैन क्रिकेट फैन है महेंद्र धोनी को भी आता है उसका मैसेज आता है आपको और क्या आता है उसका ये देखो नहीं विराट कोहली का क्या मैसेज आता है ये बताओ ना खाली दिल दे देता है बस दिल दे देता है आपको भी वो अरे अभी मैं अगला दिन है मैं दुकान में आ गया हूँ पापा पिथौरागढ़ गए हुए हैं आज एक रैली थी तो यही आज का एपिसोड था यार मतलब पहला दिन था तो मैं सारी चीज़ें ना मतलब क्या बोले भूल सा गया हूँ कि मैं कैसे वीडियोस बनाता था धीरे धीरे बनाएंगे बट आप लोग जैसे इंस्टाग्राम पे प्यार दे रहे हैं वैसे यहाँ पे भी देते रहिएगा बहुत जल्द मुलाकात होगी और जो लोग इंस्टाग्राम से आए हुए हैं आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें और जल्द मैं कुछ अच्छी वीडियोज़ कुछ एक्साइटिंग ब्लॉग्स के साथ आता हूँ एंड आई होप आपको ये वाला पसंद आया होगा मिलते हैं और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना कोई बात नहीं बट कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं बाय बाय देखो मैं नया फ़ोन लिया था नहीं अच्छा आज है 9 फरवरी 2024 आठ है आज आठ है ना 8 फरवरी निकल डाल लेंगे
नंबर भी डाल लेंगे। खाली दिल दे देता है बस, दिल दे देता है आपको भी वो। अरे